नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, वो बच्चे जो 10वीं क्लास में पास होकर 11वीं क्लास में आए हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड चूज करके इस वीडियो के देखने आए हैं पोल साइंस का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, उन सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। अभी आप लोग का काम ये था कि आपने आर्ट्स चूज कर लिया, अब उसके बाद पोल साइंस लेने के बाद काम मेरा है कि चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाना। मैं गारंटी लेता हूँ चीज़ों को एक एक करके बारीकी से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसा कि पिछले में कई सालों से इंस्टीट्यूट में चाहे अब यूट्यूब पे मैंने किया है और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, करवा के मैंने दिया है। तो आप सब भी आए हो तो इस उम्मीद के साथ आए हो कि भैया आपको ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से समझ में आए, और मैं गारंटी लेता हूँ ये चैप्टर के आपको जितने भी चैप्टर हैं पोल साइंस और हिस्ट्री के, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टरों को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिलीवर करूँगा और चीज़ों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान क्यों। क्यों का मतलब होता है क्यों बनाया गया, और कैसे का मतलब होता है कि किस प्रकार, मतलब कौन कौन सा ऐसा तरीका था जिसके द्वारा संविधान को बनाया गया। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सिलेबस की वीडियो जरूर देखना। दूसरी चीज, जीरो चैप्टर जो मैंने बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन से चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब समरी समझते हो ना, पूरे चैप्टर का मैंने समरी बता दिया है कि हम इस चैप्टर में इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बेहद इंटरेस्टेड है, चीजों को देखिएगा, एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान को क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, ठीक है। चलिए मैं आपको दो डेट देता हूं। सबसे पहला डेट है कि हम साल में दो डेट सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से डेट। सबसे पहला जो हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, और दूसरा जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है 15 अगस्त, ठीक है। अब कई सारे बच्चों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। आप सबसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नहीं बता पाएंगे उनके लिए मैं खुद बताना चाहूंगा, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, इस वजह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश है वो गणतंत्र हुआ था, इट मीन्स संविधान को लागू किया गया था, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जनवरी तो पहले आता है तो कहीं स्वतंत्रता दिवस तो पहले नहीं है, ठीक है। तो इन कंफ्यूजन को दूर कर लेना, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे बचपन में, लेकिन जब चीजों को हमने बारीकी से देखा, जब हमने पढ़ा, तो हमें भी ये चीजें याद हो गई कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था इसलिए उसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था इस वजह से उसको गणतंत्रता दिवस कहते हैं। दो चीज क्लियर हो गया, अभी ऐसे स्टेप वाइज सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब एक छोटा सा डेफिनेशन हम समझते हैं आखिर संविधान होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप समझते हो कि आप एक स्कूल में जब स्टडी करते हो तो एक रूल्स बनाया जाता है। रूल्स क्या होता है, टाइम से आना है और टाइम से जाना है, या ये पीरियड लगेंगे, और एक जो पीरियड रहेगा, एक जो घंटी रहेगा उसमें इतना मिनट पढ़ाई होगा, फिर उसके बाद घंटी दूसरी लगेगी, फिर उसके बाद दूसरा टीचर आएगा वो पढ़ाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लंच, फिर पढ़ाई और फिर छुट्टी, इसी प्रकार से होता है ना। तो हर एक चीज का एक नियम बना दिया गया है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे लंच, इस टाइम पे छुट्टी, ये हुआ। अगर सपोज ये सिस्टम नहीं बनाया जाए तो, अगर ये जो नियम है वो नहीं बनाया जाए तो आप बताओ क्या अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या टीचर अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे, क्या बच्चे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब सिस्टम ही नहीं है तो उस चीज को फॉलो कौन करेगा, और इस तरीके से स्कूल का स्कूल स्कूल नहीं रह जाएगा, जब मर्जी कोई बच्चा आएगा पढ़ने और चला जाएगा, ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं रहेगा तो हमें ये समझ में आया कि रूल्स की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है।
आप घर में देख लो, आपके घर में एक रूल्स बनाया जाता है कि इस टाइम को आपको घर में आ जाना है और इस टाइम के बाद आपको कहीं नहीं निकलना है। ये रूल्स बनाया जाता है ना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना जाता, ये भी रूल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी होती है वो रूल्स होती है, और रूल्स को बेहद फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे ही जैसे घर में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे देश को कंट्रोल करने के लिए हमें एक नियम की आवश्यकता होती है। और सिर्फ एक नियम नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं। तो इन सारी कंडीशनों को जब लिखा गया तो करते करते एक बुक बन गया। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? वो जो नियम है धीरे 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 जब लिखते चले गए तो उसकी एक बुक तैयार हो गई, और उसे ही कहते हैं संविधान। यानी कि एक ऐसी लिखित पुस्तक जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं और जिसके माध्यम से किसी भी देश को अच्छे से चलाया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है, तो उसे ही कहते हैं संविधान, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये है संविधान, भारत का संविधान। अब आप समझो 125 करोड़ की आबादी है, उस आबादी को कंट्रोल करके उनको अच्छे से रेगुलेट करना, ये सारी बातें संविधान में लिखी गई। इतना इजी चैप्टर है यार, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो संविधान का डेफिनेशन समझ में आ गया। संविधान क्या है, तीन बातें याद करो, कौन कौन सी। सबसे पहली चीज, संविधान एक लिखित पुस्तक है जो कि आप देख सकते हो। दूसरा, ये भी याद रखना, लिखित पुस्तक है, ठीक है, संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसके माध्यम से, जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं। और तीसरा है, जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। एक लिखित पुस्तक, उसमें नियम कानून, और उसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है, उसे ही कहते हैं संविधान। समझ में आ गई बात? तो देखिए क्या लिखा है, संविधान जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक होती है, उसे ही कहते हैं संविधान। आज देखते हो जो संसद जो होता है वो रेगुलेट होता है, लोकसभा राज्यसभा रेगुलेट होता है, यहाँ पे जो आप ये समझ सकते हो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, जो न्यायालय होता है, जो विधायिका कार्यपालिका होती है, जो जैसा रेगुलेशन होता है, वो सारा चीज जो सिस्टम चलता है वो सब संविधान से ही चलता है, यानी कि इसी के नियम के द्वारा चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब रूल्स बना दिए जाते हैं तो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है, कि एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन, समानता, ये सारा चीज स्थापित हो जाता है। इसलिए कहते हैं संविधान सरकार समूह न्यायालय और अन्य संगठनों के बीच क्या विश्वास और तालमेल बिठाने का काम करता है, इसे ही कहते हैं संविधान, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, इसलिए क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये नंबर है 7011912793 पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स के लिंक दिए गए, आप वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इस वेबसाइट पे आप विजिट करके ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे वे मैंने बता दिया जहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं अन्य डेफिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से है जिसमें दिए गए निर्देश एवं नियम के आधार पर शासन किया जाता है, और इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया गया, यानी कि सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, जो कंडीशंस हैं, उन सभी चीजों को डाला गया है। संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी सरकार नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं कर सकता। अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या होता है, जैसे हम जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेट के जो वो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे केजरीवाल हैं, ये हमारे स्टेट के सरकार हुए, है ना, यानी कि इन्हीं को कहते हैं राज्य सरकार। और एक होते हैं केंद्र सरकार, इसका मतलब ये होता है कि देश के एक जो नेता होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हो गए केंद्र सरकार, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। इस तरीके से केंद्र में सरकार होती है और राज्य में भी सरकार होती है, तो उसका जो संविधान है इसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो केंद्र में बैठा हो, चाहे राज्य में बैठा हो, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का जो संरक्षक, यानी कि जो सुरक्षा करने का किसको दायित्व दिया गया है, ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायालय होता है जो जितने भी न्यायालय, यानी कि कोर्ट जो होते हैं, उनमें सबसे जो ऊपर होता है उसी को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आगे समझते हैं संविधान की आखिर हमें आवश्यकता ही क्यों है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है,
प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है कि क्या क्या काम होगा और किस किस प्रकार से काम होगा। ये सारे चीज निर्धारण कौन करता है? संविधान। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब जैसे आपको मैंने बताया कि 125 करोड़ की आबादी है, मैं कहूँ कोई भी डिसीजन लेना है तो किससे पूछ के लिया जाएगा? इसमें तो पूछना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तांत्रिक सरकार में रह रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को ऐसे चुनते हैं जिन पर हमें भरोसा हो। जैसे PM, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दिया, हमने भरोसा जताया, फिर पता लगा नोटबंदी हो गया और उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जो फैसला लिया कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी स्वीकृति थी, इसलिए क्योंकि हमने ही जो मोदी जी हैं उनको चुना था। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए कि लोकतंत्र में कोई एक ही फैसला लेता है और जिनका भरोसा, हम सबका भरोसा उन पे ही होता है। आगे संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि नेताओं का चुनाव कैसे होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने कानूनों की सीमा तय करता है कि कितने हद तक किसी भी कानून को लागू किया जाना चाहिए। जैसे होता नहीं है, हर एक चीज का तोड़ होता है। ठीक है, अब जैसे आपातकाल लगाना, ये भी है। इसके अलावा सरकार को कैसे चुना जाए और कैसे उनको गिराया जाए, यानी कि कैसे उनको चुन के स्थापित किया जाए और कैसे उनको हटा दिया जाए, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो हर एक चीज की सीमाएं तय की गई हैं। आगे समझते हैं संविधान का गठन, गठन समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 1942 में, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि संविधान आखिर बना क्यों। बात है ये 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उसी टाइम पे हमें ये पता लग गया था, पता तो खैर पहले से ही हमें स्टार्ट हो गया था चलना कि भाई अब अंग्रेजों का जो नींव है ना वो हिल रहा है और इसके बाद अपना देश आज़ाद होने वाला है। लेकिन जैसे ही 1942 का जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद जो हमारा ये जो शक था और जो हमारी उम्मीद थी ये और बढ़ जाती है, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही, 1945 खत्म होने के बाद ही, हम जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूर्णतः ये स्वीकार कर लेती है कि हाँ भाई भारत को हम आज़ाद करने वाले हैं, और वो आज़ाद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का जो जिम्मा है कि हाँ भारत सरकार को, भारत को सौंप के आ जाओ कि आप अपनी सरकार को चलाओ, जैसे मर्जी वैसे चलाओ, इन सब चीज़ का जो जिम्मा है ये इंग्लैंड ने कैबिनेट मिशन को दिया था। कैबिनेट मिशन मतलब एक तरीके से समझ लो टीम, वो आई यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने भारत को सजेशन दिया कि आप संविधान का निर्माण करो, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसके बाद कैबिनेट मिशन के सुझाव के द्वारा यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया, और तब से लेकर अभी तक संविधान के माध्यम से अपने देश को चलाया जाता है। तो यही सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए क्या लिखा है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के साथ भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैंड पर पड़ने लगा, और इन सभी दबावों के साथ इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय ले लिया। आगे उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जिसका काम था भारत की सत्ता भारत को हस्तांतरित करके, यानी कि दे के सौंप कर यहाँ से वापस चले जाना। कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान किए, जिसमें से एक प्रावधान क्या था, संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन। जो संविधान सभा है वो संविधान को निर्माण करेगी। आगे संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें टोटल जो मेंबर चुन के आए थे 389 मेंबर चुन के आए थे, कि जो संविधान सभा है उसमें जितने सदस्य हैं 389, और यही मिलकर संविधान को बनाएंगे, यही तय हुआ। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ये बात कब की है, 1946 की, यानी कि इस टाइम पे आज़ादी नहीं हुई थी। तो आज़ादी नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भी कई सारे लोग चुन के आए होंगे। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे समझते जाइएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि किसके लीडरशिप में हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो पहला जो बैठक हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बैठक में हुआ था, जो कि वहां के अस्थायी सदस्य थे, जो फिक्स सदस्य नहीं थे। फिक्स सदस्य किसको बनाया गया, 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थायी सदस्य जो है वो चुन लिया गया। अब यहाँ पे एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कौन चुना गया था, ठीक है। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। आगे क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, यानी कि उद्देश्य किसने पारित किया, जवाहरलाल नेहरू ने, और इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिया, ठीक है, यानी कि 1947 में इस संविधान के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आगे क्या होता है, इस संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन किया, क्योंकि देखो संविधान एक छोटी मोटी चीज नहीं थी, बड़ी चीज थी, तो इस वजह से टीम डिसाइड कर दिया गया कि आपका काम ये रहेगा, आपका ये, इस तरीके से कर दिया गया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे ज्यादा प्रमुख थी। प्रारूप समिति एक तरीके से समझ लो जो बेस पॉइंट है कि क्या क्या चीज होना चाहिए, किन किन लोगों का क्या क्या चीज इसमें मत रखना चाहिए, हमें गरीबों को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि किसका रखना चाहिए, जो बेस पॉइंट था कि क्या क्या चीज होना अति आवश्यक है, उन सभी चीज के लिए प्रारूप डिसाइड किया गया और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ठीक है। आगे फिर दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 को विभाजन भारत के संविधान सभा के तौर पे इसकी दोबारा बैठक हुई, कब हुई, अगस्त 1947 में। अब देखिए अगस्त के मध्य रात्रि में, 14 अगस्त के मध्य रात्रि में ये सारा चीज हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त को और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, ठीक है। आगे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ था, यानी कि इनको सीधा ही चुन लिया गया था। आगे संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के अनुसार, वही कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, ठीक है ना, वही कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। और आप ये देख सकते हो इस तरीके से बैठक होती थी, इसमें अपनी बातों को रखा जाता था और इस तरीके से चीजें होती थी। आगे समझते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे, तो 389 सदस्य थे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब हम ये समझते हैं कि कहां कहां से कौन कौन से सदस्य चुनकर आए हुए थे, तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि जैसा कि आपको पता है जो भारत था, भारत उस टाइम पे रजवाड़े भी हुआ करते थे, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, तो राजा महाराजा किसके अंडर काम करते थे, अंग्रेजों के अंडर काम करते थे। तो कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे अंग्रेज जो थे वो सीधा शासन करते थे और कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे वो इनडायरेक्टली करते थे, मतलब कि राजा से शासन करवाते थे और राजा पर पूरा कंट्रोल अंग्रेज रखते थे। इट मीन्स ये कहा जाए कि नाम सिर्फ राजा का था लेकिन असली काम अंग्रेजी करते थे। तो ये देखिए लिखा है कि 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से चुने गए थे, 93 देसी रियासत जो से चुने गए थे, देसी रियासत मतलब देसी रजवाड़ों से जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था वहां से चुने गए थे, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुने गए थे, यानी कि मेन जो प्रांत थे वहां से 4 चुने गए थे, और इन तीनों को कैलकुलेट किया जाए तो 389 हो जाता है। आगे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देसी रियासतों को लमसम 93 सीटें मिली, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे राजाओं का शासन था वहां से 93 आए थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से आए थे, और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनको किस हिसाब से लाया गया था। तो देखिए एक प्रांत देसी रियासत तथा रियासतों के समूहों को उनकी आबादी के अनुपात में बांट दिया गया था, यानी कि बात किया जाए 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता था, इस तरीके से इसका चुनाव हुआ। हर एक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य वर्ग, जिसमें सारे लोग आ जाते थे, ठीक है, उनकी आबादी के अनुसार चीजों को आवंटित कर दिया गया था, उसी अनुपात में बांट दी गई थी। आगे क्या होता है, आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा बुलाई गई, तब उसमें संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की जो तादाद है वो कम हो गई। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग जब हो गया, तो उस टाइम पे उससे पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी ना, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, देखिए यहाँ पे 389 थी। लेकिन जैसे ही आजादी होता है तो जो पाकिस्तान से चुनकर आए थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 299 हो गई। इसमें 26 नवंबर 1949 को जिस टाइम पे संविधान बनकर तैयार हो गया, उस टाइम पे 284 सदस्यों ने अंतिम तौर पर इस पे हस्ताक्षर किया, जिसमें से 12 महिला हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कई जगह पे 12 भी देखने को मिलता है, कई जगह पे 15 भी देखने को मिलता है। आगे समझते हैं,
अब यहाँ पे संविधान में क्या क्या चीज लिखा गया था, तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? ये व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, ये इन व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण, अब देखिए संविधान में लोगों का काम था चीजों को रखना, प्रावधान को रखना, बातों को रखना, अपने अपने व्यू को रखना, लेकिन असली लिखने का काम ये कर रहे थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि संविधान को किसने लिखा, किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। तो इन्होंने ही संविधान को लिखा था अपने हाथों से, ठीक है। इसके अलावा संविधान में 22 भाग बनाए गए, 8 अनुसूचियां बनाई गई, 395 अनुच्छेद बनाए गए। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 166 दिन इसमें बैठकें चली थी, यानी कि बैठकर, जैसे वो देखो ना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, तो ऐसे पहली बैठक हुई थी, ऐसे ही कर करके 166 बैठकें हुई थी। और इसमें कितने पैसे का खर्च हुआ था? 6.4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। और इसको असली कॉपी जो प्रेम बिहारी नारायण थे, ठीक है, इन्होंने इस चीज को लिखा था, ठीक है। आगे समझते हैं, इनका पूरा नाम देखिए ये है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। और संविधान की असली प्रतियां जो लिखी गई थी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई थी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को लिखा था। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी। संविधान में विभिन्न मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनाई गई थी जो कि विभिन्न मुद्दों को देखती थी, विभिन्न टीमों को देखती थी, और इस तरीके से पूरा करके संविधान का निर्माण किया गया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इन चीजों को देख लीजिए। सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा संविधान, और संविधान का हमने डेफिनेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा संविधान का आवश्यकता क्या होती है, क्यों चाहिए हमें संविधान को। आगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि किस किस प्रकार से आजादी से पहले कितने लोग थे, आजादी के बाद कितने लोग थे, और कहां कहां से चुनकर आए थे। 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति को चुना जाता था, और इस तरीके से कहा जाए तो अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया जिसमें 12 महिलाएं थी। और इस तरीके से संविधान का निर्माण होता है, और 26 जनवरी को इस चीज को लागू कर दिया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जब 26 नवंबर को 1949 में ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, यानी कि 2 महीने का गैप क्यों लिया गया, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट जो है पार्ट जो आएगा उसमें मैं चीजों को बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा चीजों को पढ़ने में। एक बार दो बार वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाती है। और किसी भी चीज में अगर कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नोट्स पाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 7011912793 पर मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए टेक केयर, बाय बाय।